बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। यहां सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 संदिग्ध टाइमर बम मिले हैं। एक बम में डिजिटल वॉच लगी हुई है। राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर इन संदिग्ध टाइमर बम मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में बम स्क्वाड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई है। जहां ये संदिग्ध बम मिले हैं उस जगह की घेराबंदी करके सील कर दिया गया है। आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को भी कुछ देर के लिए रोका गया है। बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। उनके सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। SPCT समेत सभी सीनियर पुलिस अफसर मौके पर मौजूद हैं। शुक्रवार दोपहर को सफेदाबाद रेलवे स्टेशन से पीछे की तरफ 100 मीटर दूर लोगों को ये संदिग्ध बम नजर आए। इनके साइज ईंट से कुछ छोटी थी। वहां से गुजर रहे युवक की सबसे पहले इन पर नजर पड़ी। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में ध्यान से सुना तो इनके टिक टिक की आवाज आ रही थी। इसके बाद आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ बम जमीन के अंदर पड़े हुए थे, जबकि एक दो बाहर पड़े हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनको यहां छिपाने की कोशिश कर रहा था। एक संदिग्ध बम में डिजिटल वॉच की तरह से दिखने वाला टाइमर लगा हुआ है। SP अनुराग वत्स ने बताया कि ये टाइमर बम है या कुछ और, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, आज ये सूचना एक व्यक्ति ने पुलिस को दी थी कि यहाँ एक जगह कुछ ऐसा चीज़ दिख रही है जो बम जैसी दिखाई दे रही है। इस ये सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस इस सूचना पर तत्काल पहुंची और जो लोग थे उनको आसपास वहाँ से दूर किया, उस एरिया को आइसोलेट किया गया और तत्काल इसकी सूचना हमने बम निरोधक दस्ते को दी। बम निरोधक दस्ता यहाँ टाइम से पहुँचा, हमारी ATS कमांडोज पहुँचे और उन्होंने यहाँ मौके पर आके जाँच की। और किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि रिस्क को ख़त्म करने के लिए कि जो भी वो वस्तु थी उसको उन्होंने नष्ट किया है और जो सैंपल्स मौके पर मिले हैं उस सैंपल को उनके द्वारा लैब भेजा जा रहा है, जिससे कि असर्टन किया जा सके कि ये क्या चीज़ थी, इसके अंदर क्या सामान था। और जैसे वो सैंपल की रिपोर्ट्स आएंगी तो वो आपको अलग से अवगत कराया जाएगा। सर, कितनी देर तक ये रिस्क चला आपकी टीम में? जी, इसमें एग्जैक्ट टाइम तो अभी लगभग, लेकिन फिर भी 2 से 2.5 घंटे का ये पूरा टाइम। टाइमर वगैरह भी लगे थे कुछ? ये अभी वेरीफाई हमारी BDDS की टीम करेगी। ये पूरा एक उसका परफॉर्मा, एक पूरा एक मेमो बनाएगी और उसके बाद स्पष्ट कर पाएंगे। कितने मटेरियल थे टोटल? ये इनका कहना है कि 4 से 5 ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिनको इन्होंने नष्ट किया है और जिसके बारे में सैम्पलिंग करके लैब भेजा जा रहा है। सर, ट्रेनों के आवागमन के संबंध में क्या? ट्रेन का आवागमन चलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, ट्रेन चल रही हैं। गांव के एक युवक ने पुलिस को बताया कि यहां बम जैसी चीज है। बम निरोधक दस्ता और ATS कमांडो मौके पर पहुंचे। रिस्क को खत्म करने के लिए उनको टीम ने नष्ट किया। जो सैंपल मौके पर मिले हैं उनको लैब भेजा जा रहा है ताकि ये क्या है पता चल सके। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसे बताया जाएगा। जांच के बाद ही ये बताया जा सकता है कि आखिर ये क्या है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बम डिस्पोजल यूनिट ने सभी बम को डिफ्यूज किया। इस दौरान एक बम फट भी गया था, हालांकि उसकी आवाज हल्की थी। उधर अब तक इस पूरे मामले में पुलिस के सीनियर अफसरों ने कुछ भी नहीं बताया है। जहां बम मिले हैं वहां से लखनऊ की दूरी महज 20 किलोमीटर है। पहले गोरखनाथ मंदिर पर हमला और फिर लखनऊ के पास संदिग्ध टाइमर बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या लखनऊ को दहलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना था या फिर किसी और काम के लिए। फिलहाल पुलिस ये पता करने की कोशिश में जुट गई है कि आखिर इन संदिग्ध बम को यहाँ किसने रखा था। इसके साथ ही लैब रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि इन संदिग्ध बमों में क्या था इस बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।